नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनोवेटिवनेस तो जिस तरीके से हमने फोरकास्ट को डिस्कस किया हमने असॉटमेंट के एस्पेक्ट को डिस्कस किया इसी तरीके से जो तीसरा मेन एस्पेक्ट हमारे पास मौजूद है दैट इज रिलेटेड टू इनोवेटिवनेस तो वाट आर द फैक्टर्स जो कि इनोवेटिवनेस के लिए के लिए हेल्प करते हैं हमें तो लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स टू बियर इन माइंड वेन प्लानिंग मर्चेंडाइज इनोवेटिवनेस सो जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास मौजूद है और उसकी क्या रेलिवेंस है फॉर प्लानिंग हम उसको भी क्विकली डिस्कस करते हैं सबसे पहला फैक्टर हमारे पास मौजूद है विच इज रिलेटेड टू टारगेट मार्केट सो आपको इवेल्यूएट करना है कि वेदर माई टारगेट मार्केट इज कंजर्वेटिव या इनोवेटिव किस तरह की टारगेट मार्केट को मुझे लेकर चलना है मेरा कस्टमर कंजर्वेटिव है या मेरा कस्टमर इनोवेटिव है और गुड्स सर्विसेज ग्रोथ पोटेंशियल फिर मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है क्या मुझे कंसिडर करना है कि ईच न्यू ऑफरिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेपिडिटी ऑफ इनिशियल सेल्स मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल पर टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सेल्स लाइफ मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे गुड्स का और मेरे सर्विसेज का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और कितने अरसे तक के लिए है फॉर हाउ लॉन्ग दैट ग्रोथ पोटेंशियल वे सर्वाइव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर सर्विसेज एंड देन थर्ड हमारे पास है पॉइंट इस फैशन Trends. Third factor is fashion trends. What you have to see, you need to understand vertical and horizontal fashion trends if appropriate. And as you will find both the vertical one and the horizontal one, it is easy for you to define which part is more relevant related to innovativeness. Then, next factor is retailer image. तो रिटेलर क्या इमेज कैरी कर रहा है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर वॉट इज रिटेलर पैटर्न एज इन दी माइंड ऑफ द कस्टमर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू सर्विसेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इनोवेटिव डिसीजन को फॉलो करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ योर कस्टमर इज कंजर्वेटिव कस्टमर सो ऑफकोर्स ही इज़ कैरिंग ही वुड बी कैरिंग योर इमेज नॉट लाइक द इनोवेटिव अप्रोच सो ही विड बी एक्सपेक्टिंग services not innovative kind so he would be expecting services or products or goods which meet his needs so retailer image is very important in the minds of the customers then next factor is related to competition so what you have to see that either you have to lead the competition or you have to follow the competition if you are leading position it will help you in taking the lead in taking and driving the show और अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स आइए गुड्स के परस्पेक्टिव में भी होगा और सर्विसेज के परस्पेक्टिव में भी होगा फिर देन कस्टमर सेगमेंट्स आपको एज ए रिटेलर यू नीड टू सी कि मैंने अपने कस्टमर्स को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है सो फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू डिवाइड कस्टमर्स और डिवाइड मर्चेंडाइज एज पर दी कस्टमर सेगमेंट्स तो आपको बड़े तरीके के साथ कि मैंने किस कस्टमर सेगमेंट के लिए कौन सी मर्चेंडाइज अपने स्टोर के अंदर रखी है दिस हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड नेक्स्ट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिवनेस टू कंज्यूमर्स सो रिटेलर को ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी न्यू ऑफरिंग है वैन रिक्वेस्टेड बाई द टारगेट मार्केट कितना रिस्पॉन्सिव है टू द कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की नीड अगर या सर्विस की नीड अगर आइडेंटिफाई हो गई है तो हाउ क्विकली रिटेलर वीड रिस्पॉन्ड टू दैट दैन नेक्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सो रिटेलर शुड कंसिडर ऑल पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स आईदर इट इज रिलेटेड टू गुड्स इट इज रिलेटेड टू सर्विसेज इट इज रिलेटेड टू पर्सनैल अडिशनल लोग कोई नया फिक्सचर कोई नया फर्नीचर सो एवरी इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड इन terms of uh, amount of investment then next factor is related to profitability so retailer should assess new offerings new assortment and what are the potential profits associated to it इसी तरीके retailer has to consider one more factor into consideration that is risk so the retailer should identify all risk associated to retailer image associated to investments associated to the opportunity cost

ताकि वो इवेल्यूएट कर सके आइडेंटिफाई कर सके न्यू रेसिपीज फॉर देयर कस्टमर्स अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं सो इन जनरल रिटेल स्टोर के हवाले से एक रिटेलर का लाइफ साइकिल भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ही है तो अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज इट मूव्स टू द ग्रोथ एंड ग्रेजुअली मिच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन सो रिटेलर की सेल्स नॉर्मली अपनी पीक पर होती है व्हेन दे आर एट द मेच्योर स्टेज और दिस इज अ टाइम ऑफ नॉर्मली ओवर थ्री टू फाइव इयर्स और उसके बाद देन दिस अ डिक्लाइनिंग टाइम और अगेन इट इज़ अपू द रिटेलर आईदर दे विल फॉलो सच इनोवेटिवनेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट और रिलेटेड टू ओवरऑल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स और रिलेटेड टू द मर्चेंडाइजिंग कैटेगरी दैट आई दर दे गो टू डिक्लाइन और दे विल सस्टेन फॉर द मेच्योरिटी और दे विल स्टे ऐट द ग्रोथ स्टेज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस फॉर प्रूनिंग प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक रिटेलर एक प्लान डिवाइस कर रहा है तो उसको क्या क्या करना है क्या क्या एक्शंस लेने हैं क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए उसके लिए फॉर ऑल the प्रूनिंग प्रोडक्ट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या करना है दे नीड टू सेलेक्ट आइटम्स जिसको उसने eliminate करना है वो किसको एलिमिनेट करना है कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको उसने एक्सक्लूड कर देना है वो प्रोडक्ट्स जिनकी सेल लो है वो प्रोडक्ट जिनकी प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं वो प्रोडक्ट्स जो के लो मार्जिन ऑफर करी हैं लो प्रॉफ़िट्स ऑफर करी हैं या उनकी अपियरेंस ऑफ सब्सिट्यूट ज़्यादा हो रहा है देन द रिटेलर हैज टू गैदर एंड एनालाइज तमाम डिटेल्ड फाइनेंशियल एंड अदर डाटा अबाउट दीज आइटम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया सेलेक्ट कर लिया देन एनालाइज कर लिया और फिर यू नीड टू कंसिडर नॉन डिलीशन स्ट्रेटजीज for example, cost cutting, for example, revising promotional efforts, for example, adjusting prices, and then cooperating with the other retailers. and the last, then you have to see after making the deletion decision, do not overlook timing. parts, services, inventory, for example, if you have offered an after-sale service for a product for three years, warranty period for three years, so you need to ensure that you should have parts and servicing for good three years. ज द सेलेक्टेड चेकलिस्ट फॉर प्रोडिक्टिंग द फैशन सो पूरी चेकलिस्ट हमारे पास मौजूद है इफ यू आर गोइंग टू प्रोडिक्ट अबाउट सम फैशन इन अ पर्टिकुलर रिटेल स्टोर सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास जो जहन में आने क्या फैशन सेटिस्फाई करता है कस्टमर नीड को जिस फैशन की हम बात करने जा रहे हैं जिस फैशन को हम अडोप्ट करने जा रहे हैं क्या ये फैशन कंपेटेबल है विद द इमरजिंग कंज्यूमर लाइफ और दिस फैशन Uh, orientation is for the particular segment or for a mass market, or you need to see that radically new hai ye fashion reputation is the uh, designer who introduced this fashion? Introduce kiya. Kya, are designers marketing some version of the fashion? Is the price range of the fashion appropriate for the target market? For example, if the innovativeness is to the level where you can say that fashion is not appropriate for my target market, then it would be a tough decision.

And the location of the store. If the surrounding of the store is goes with the image of the store of low quality areas, then generally it would be considered to be a low profile store or poor location store. Then next factor is profitability. So considering uh, merchandise quality into consideration, they need to seek a high quality products. Generally, they have the higher profits. So retailers should consider this factor that if it will sell high quality products it will bring more profitability for the retailer then either this product is manufacturer brand or it is the private label brand or own brand of the retailer then what are the customer services that you are offered either you are offering some kind of alterations some kind of delivery services some kind of personal services so what kind of different customer services you are offering in order to improve the quality then personnel so what are the employee skilled knowledgeable high quality merchandise you are offering to your uh, to your customer because it will really help customer in order to take any decisions then what are the perceived benefits related to goods or related to services by the customer how customers are perceiving your goods how customers are perceiving your uh, their services and what are the constrained decision making what is your face reality of the retail store because the customers are going to see uh, Is going to see your franchise or customer going to see your chain store, the customer will perceive your image as a retailer about it. So retailer ko hi identify karna hai ke while devising the merchandising plan, it should consider all factors starting from the forecast, goes up to the merchandise quality. Tamam factors should be keep consider uh, should be keep in consideration so that because they are all important in devising the merchandising plan and in order to retain the customers for the longer period of time.